डेड सी या मृत सागर का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डेड सी पृथ्वी के प्रमुख आकर्षक स्थानों में से एक है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, सिर्फ घूमने ही नहीं बल्कि अपनी खराब त्वचा, जोड़ों की समस्याएं दूर करने भी। वह मृत सागर में पाए जाने वाले कई खनिजों का लाभ उठाते हैं। तो आइए जानते हैं मृत सागर से जुड़े कई रोचक तत्व। मृत सागर या डेड सी असल में एक 50 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी झील है, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। इस सागर की खास बात यह है कि इसमें नमक की मात्रा काफी अधिक है। पानी के अधिक घनत्व की वजह से इसमें एक नौसिखिया भी आसानी से तैर सकता है। मृत सागर में नमक की अधिक मात्रा इसे एक कठोर वातावरण देती है, जिसमें पौधे और जानवर नहीं पनप सकते। इसी वजह से इसे मृत सागर कहा जाता है। मृत सागर किसी भी महासागर का हिस्सा नहीं है। यह एशिया महाद्वीप में दो देशों इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इस सागर का जिक्र बाइबल में भी है, जहां बताया गया है कि किंग डेविड इस सागर के बीच पर आश्रय लेते हैं। दोस्तों, डेड सी को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे सी ऑफ डेथ, सी ऑफ सॉल्ट, सी ऑफ अराबा, प्रीमोडियल सी। इस सागर में पानी की आपूर्ति जॉर्डन नदी से होती है। मृत सागर दुनिया भर में पानी में खारेपन की मात्रा के हिसाब से सातवीं सबसे खारी पानी की बॉडी है। दुनिया की सबसे नीची सड़क मृत सागर के किनारों से होकर चलती है। इजराइल में एक सड़क है, हाईवे 90। यह मृत सागर के पश्चिमी तटों के साथ से होकर गुजरती है। मृत सागर को यूं तो समुद्र कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक खारे पानी का झील है। दोस्तों, डेड सी के नाम से फेमस इस समुद्र का पानी काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं है। वहीं आपको बता दें, इस समुद्र को दुनिया की सबसे खारे पानी की झील भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।